और दोस्तों ये वाला शिवलिंग आप देखिए, इसके आगे दोस्तों मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इतना पुराना शिवलिंग दोस्तों, कम से कम 300-400 साल पुराना ये शिवलिंग है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आया हूँ लखनऊ के एक ऐसे पौराणिक मंदिर में जो कि बड़ी शीतला देवी माता का मंदिर कहलाता है। और ये मंदिर लखनऊ के राजपुरम क्षेत्र के मेहंदीगंज में पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है। इस समय मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तो आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मंदिर कैसा है, कितने साल पुराना मंदिर है, आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। शान निराली द्वार तेरे रंग बरसे महारानी, द्वार तेरे रंग बरसे महारानी। शेरवालिये तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये है मंदिर का मुख्य द्वार और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है श्री बड़ी शीतला देवी मंदिर। तो आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरीके का मंदिर है। और मंदिर के अंदर एंट्री करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर बीच में रेलिंग लगी हुई है ताकि भक्तों को आने जाने में असुविधा ना हो, क्योंकि तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और दोस्तों सामने की ओर जो आप मंदिर देख रहे हैं यही है माँ शीतला देवी का मुख्य मंदिर। यहीं पर माँ शीतला देवी पिंडी रूप में विराजमान है। दोस्तों मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मना है और जो यहाँ के पंडित जी हैं उन्होंने मना कर दिया, तो इसलिए हम अंदर तो नहीं दिखा सकते। बट फिर भी अगर मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि आप जब यहाँ पर आएंगे तो माँ शीतला देवी के यहाँ पर आपको पिंडी रूप में दर्शन होंगे। आप तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से मंदिर है। और मंदिर के ऊपर साइड में आप देख सकते हैं ये दो शेर इस तरीके से बैठे हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है, करीब 500-600 साल पुराना मंदिर है। और राइट साइड में शंकर भगवान का मंदिर है, यहाँ पर शंकर भगवान शिवलिंग रूप में हैं और ये भी मंदिर 300-400 साल से ज़्यादा का ही है। और इसी तरह से लेफ़्ट साइड में भी शंकर भगवान का मंदिर है, ये मंदिर भी करीब 300-400 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर आप शिवलिंग को देख करके आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना मंदिर होगा। आइए आगे चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी शिवलिंग ही है और ये चौमुखी शिवलिंग है। आपने शायद बहुत कम देखा होगा इस तरह का शिवलिंग और काफ़ी ज़्यादा पुराना शिवलिंग ये लग रहा है। आप सोच सकते हैं कितना पुराना मंदिर होगा ये। और आप इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ को आप देख करके सोच सकते हैं कि ये जो उसकी जड़ें हैं, मतलब कि जो इसका बीच का हिस्सा है, तना जो है, जो भी कहते हैं पेड़ का बीच का हिस्सा, वो किस तरह से मंदिर के छतों पर टिका हुआ है ये देखिए। और ये है इधर शनिदेव महाराज का मंदिर। और दोस्तों इस साइड में आप देख सकते हैं एक रास्ता ये भी है माँ शीतला देवी मंदिर के अंदर जाने का, एक रास्ता उस तरफ से भी है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शिवलिंग ही है और ये शिवलिंग भी 100-150 साल से कम पुराना नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर आपको शिवलिंग के दर्शन बहुत होंगे, बहुत सारे यहाँ पर शिवलिंग है। और सामने की तरफ माता रानी का मंदिर है, ये आप देख सकते हैं माता रानी यहाँ पर विराजमान है, शेरवाली माता। और दोस्तों लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है और काफ़ी बड़ा स्पेस इन्होंने छोड़ दिया है हवन के लिए, यहाँ पर हवन वगैरह होता रहता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, यहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी विराजमान है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। और ये भी मंदिर काफ़ी पुराना मंदिर है, 250-250 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर यहाँ पर बन रहे हैं और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं सामने, ये भी एक मंदिर है। और ये माँ दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ पर माँ दुर्गा जी विराजमान है, यहाँ पर आपको दुर्गा जी के दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर साइड में कुछ इस तरह से पत्थर लगे हुए हैं और मंदिर के बारे में जानकारी लिखी हुई है कि वो मंदिर किसने बनवाया था, कब बनवाया था, वो सब जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। और दोस्तों ये वाला शिवलिंग आप देखिए, इसके आगे दोस्तों मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इतना पुराना शिवलिंग
दोस्तों कम से कम 300-400 साल पुराना ये शिवलिंग है। और यहाँ पर जस्ट बगल में ही माँ काली जी का भी मंदिर है, ये आप देख सकते हैं। काली माता जी यहाँ पर विराजमान है और ये भी 250 साल से कम का ये मंदिर नहीं है। और जस्ट सामने साइड में ये वाला शिवलिंग आप देखिए दोस्तों, इसको बताने की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी शायद आपको, क्योंकि आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और माँ शीतला देवी मंदिर के जस्ट बैक साइड में आप देख सकते हैं पत्थरों में तराशी हुई ये मूर्तियाँ साफ साफ कह रही हैं कि कितना ज़्यादा ये पुराना मंदिर है दोस्तों। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस हिसाब से ये मूर्तियाँ इन मूर्तियों पर कलाकृति की गई है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के जो कलाकार हैं, जो भी मूर्तियों को बनाते हैं, मूर्तिकार हैं, वो इस तरह की मूर्तियाँ तो नहीं शायद बना पाएंगे जिस हिसाब से ये कलाकृति की गई है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम नहीं तो ये 500-600 साल पुराना मंदिर है जो कि हमारे ही लखनऊ में है। तो ज़रूर आइए यहाँ पर। और आप सामने साइड में देख सकते हैं शिवलिंग के बैक साइड में, आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लाखौरी ईंटों का यूज़ किया गया है। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पर शिवलिंग बहुत सारे हैं, यहाँ पर आपको शिवलिंग के दर्शन बहुत होंगे। आप पीछे साइड में देख सकते हैं लाखौरी ईंटों का यूज़ किया गया है, ये आप देखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप पत्थर में तराशे हुए सिया रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी महाराज, बजरंग बली बाबा आप देख सकते हैं यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे रामलला जी। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मंदिर ये भी है, और यहाँ पर भी माता रानी विराजमान हैं, यहाँ पर शेरावाली माता विराजमान हैं, मैया रानी के दर्शन यहाँ पर हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत माता रानी की यहाँ पर प्रतिमा है। तो एक बार ज़रूर आइए इस मंदिर में, यहाँ पर दर्शन कीजिए। हमारे ही लखनऊ में है तो एक बार ज़रूर आइए, और अगर आप लखनऊ के हैं तो ज़रूर आइए। और दोस्तों कुछ बातें यहाँ की ऐसी भी हैं जो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता, तो आप एक बार यहाँ आइए और यहाँ पर आकर के ही आपको पता चलेंगी वो बातें। दोस्तों इस वक्त जितनी ज़्यादा आपको यहाँ पर सन्नाटा दिख रहा है, नवरात्र के समय उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक होती है, और होली के बाद अष्टमी का मेला भी यहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक होती है, बहुत अधिक संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं भगवान के, और मेला भी लगा रहता है तो उसमें भी लोग मज़े करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लखनऊ के हैं तो एक बार इस मंदिर में ज़रूर आइएगा, यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए माता रानी के। पौराणिक मंदिर है तो अपने पुराण से जुड़िए। और बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।